एमरजेंसी रिस्पांस ईआर, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? ईआर। ईआर के बारे में आपको पता है कि क्या चीज़ होती है? कि किसी भी प्रॉब्लम का आपसे रिस्पांस जाना, रिस्पांस करना, सही है। ईआर का मतलब है एमरजेंसी। अच्छा, किसको ये पता है कि आपके घर की जो लाइन आ रही है इलेक्ट्रिक, उसका सॉकेट मेन स्विच कहाँ पर है? मेन स्विच जहाँ आप मोबाइल चार्ज करने के लिए वो लगाते, वो नहीं, मेन स्विच आपको अच्छा आपको आपको और आपको नहीं पता, सही है, तीन लोगों को नहीं पता। अच्छी बात ये है कि सब ज़्यादातर लोगों को पता है। अच्छा, किसको ये पता है कि आपके स्कूल का मेन स्विच कहाँ पर है? पता है आपको? गुड, शाबाश, बाकी को नहीं पता, सही है। अच्छा, किसको ये पता है कि स्कूल में जो गैस आ रही है, गैस, उसका वॉल कहाँ लगा हुआ है? आपको पता ना, बच्चों के वॉल आपको पता, इस बच्चे को पता है, इसको पता है, सही है। और आपको ये भी पता है कि आपके स्कूल के अंदर आने के दरवाजे कौन से हैं और जाने के दरवाजे कौन से हैं? ये सही है, सबको पता होगा, क्योंकि घर से निकल कर आना और घर से दोबारा वापसी भाग के जाना, ये आपको पता है। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपके घर में या आपके स्कूल के अंदर शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट से फायर हो जाता है, तो आपका पहला रिस्पॉन्स क्या होगा? मैंने क्या कहा था? आप बताओ। अच्छा, आप बताएं बेटा, आप बताएं। सबसे पहला आपका काम ये होगा कि लोगों को वहां से निकाल कर बाहर लेके जाना, चिल्लाना है आपने, बाहर आओ, उस जगह से दूर लेके जाओ। और बाकी लोगों का काम, जिसको ये पता हो कि इसका स्विच कहाँ पर लगा हुआ है, वो जाके स्विच बंद कराएंगे, सही है, ये होना चाहिए। अगर आपके घर में या आपके स्कूल में गैस की लीकेज होने की वजह से आग लग जाए, तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? हाँ, अच्छा, और गैस का मेन वॉल बंद करेंगे जाकर, सही है। अब आपने, आपका ये है रिस्पॉन्स, आपका क्या है? एक तो आपने लोगों को बाहर जमा करा उस जगह से, और आपने सबसे पहले वो स्विच और उसका वॉल बंद करवाया। फिर एक कोई बच्ची जो है वो रिस्पॉन्स करेगी कहाँ पर? एडमिन को। या अगर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास एडी सेंटर का नंबर होना चाहिए, एम्बुलेंस का याद होना चाहिए, आपके पास फायर ब्रिगेड का नंबर याद होना चाहिए, आपको इनका इमरजेंसी नंबर होता है, और आपके पास के इलेक्ट्रिक और गैस वालों का नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि ये वाकया अगर स्कूल में हुआ है तो ये वाकया घर में भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, सही है। तीन किस्म की आगें होती हैं लगने की, तीन किस्म की। नंबर वन, पेट्रोल से आग लगती है। नंबर टू, मटेरियल से आग लगती है। और नंबर थ्री, शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, सही है। तो आपका रिस्पॉन्स, क्योंकि मैंने क्या आपसे कहा कि आप फायर फाइटर नहीं हैं, कौन नहीं है आप लोग? फायर फाइटर नहीं, आप स्टूडेंट हैं। आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? आप डॉक्टर नहीं हैं, आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए जो आपको बताया गया, सही है। आप इलेक्ट्रिशियन नहीं हैं, आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? सिर्फ सॉकेट बंद होगा और लोगों को आप बाहर जमा करना है आपने, सही है। फ़र्ज़ करें हमारे घरों के अंदर, हमारे घर में क्या होता है, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, हमारी वालदा जो है जिस दिन पाए खिलाने होते हैं ना, उससे एक रात दिन पहले चूल्हे पर पाए रख देती है रात को, हल्की आँच के ऊपर। ऐसा होता है घरों में? किसी किसी घर में होता है ऐसा, सही है। फिर क्या कहते हैं, सुबह हम लोग, आज कल छुट्टी है, सुबह क्या करेंगे, पाए खाएँगे, सही है। और सर्दियों के अंदर जो है वो गैस की लोड शेडिंग हो जाती है, अब कब गैस गई पता भी नहीं लगा, और कब गैस आ गई रात को पता भी नहीं लगा, उससे क्या हुआ, घर में गैस भर गई। सुबह हमारी वालदा उठी, उन्होंने ये तो चूल्हा बुझ गया, उन्हें महसूस नहीं हुआ, बुझ गया चूल्हा, उन्होंने दोबारा चूल्हा जो ना बंद करके खोल कर तीली दिखाई, तो क्या होगा उससे, वो जो घर में गैस भरी हुई, क्या होगा उससे, आग लग जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, हमने एहतियात करनी है। उसके लिए आपको जब बताया जा रहा है कि आपके घर का वॉल कहाँ पर है, अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगे घर में, तो आपको पता होना चाहिए आपका स्विच सॉकेट किधर है, सही है ना। तो आग एक ये हो गई। एक क्या हुआ कि हमने घर में मोबाइल लगाया चार्ज पर,
पूरी रात छोड़ दिया कि सुबह जब स्कूल जाएंगे चार्ज हुआ हो मोबाइल, ऐसा होता है या नहीं होता? भूल जाते हैं बिल्कुल। उससे क्या होता है, बैटरी जो है वो हीट हो जाती है, वो आग जल जाती है, वाक़ियात होते रहते हैं उससे, उसके साथ रखी हुई चीज़ें जो है जल जाती हैं। लेकिन आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, आप फौरी तौर पर सॉकेट बंद करेंगे, आप कहाँ का मेन सॉकेट, इसी तरह गैस का बंद करेंगे आप, उसके बाद मुतल्लिका इदारे को फ़ोन करेंगे। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आपने रिस्पॉन्स करना है। घर में फ़र्द करेंगे, लोग मर्द नहीं है घर में, फिर क्या करेंगे आप? आपको रिस्पॉन्स करना आना चाहिए। आपका रिस्पॉन्स कॉन्टेक्ट की सूरत में हो, आपका रिस्पॉन्स गैदरिंग को सफल करने की सूरत में हो, आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए। आपका रिस्पॉन्स किसी भी फौरी तिबी इमदाद फर्स्ट एड की सूरत में हो, आपका ये रिस्पॉन्स कहलाएगा। सही है, एमरजेंसी रिस्पॉन्स में आपका किरदार क्या होना चाहिए, जितनी आपको नॉलेज है उतना होना चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हैं, आप फायर फाइटर नहीं हैं। ऐसा काम जो आपको नहीं आता हो, वो काम में हाथ नहीं आपने डालना। सही है, आपको तीन काम तो बड़े आसान है ना, एक सॉकेट बंद करना, एक गैस का वॉल बंद करना, सही है, ये तो, और लोगों को बाहर निकालना वहाँ से, सही है। और चौथा काम, मेन काम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम जो होता है, मुतल्लिका इदारे को, कंसर्ट डिपार्टमेंट को आपने क्या करना है, कॉल करनी है। ये याद रखिएगा आपने, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये घर जहाँ पर आग लगेगी वहाँ पर आग बढ़ सकती है और नुकसान का अंदेशा जो है ज़्यादा हो सकता है। सही है। अच्छा ये बताएं कि अगर किसी के हाथ पर घर के अंदर या स्कूल के अंदर गर्म पानी दूध गिर जाए, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? ठंडे पानी से, शाबाश। और इस बच्चे का जो रिस्पॉन्स आया है, देखिए यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स है तो वहाँ पर भी होगा। ये नहीं कि ये इसने अपनी सलाहियतों को दिखाया है यहाँ पर, आपने भी दिखाना है, आता सब कुछ आपको पता है आपको, लेकिन आप आपने सोचा मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं। क्या एक दफ़ा गलत बोली क्या हो गया, तो आप सीखने आएंगे, सिखाने थोड़ी आएंगे। सही है, आप सबसे पहले डॉक्टरी एतबार से डॉक्टर आपको मना करेगा ठंडा पानी नहीं डालना, ठंडा पानी नहीं, पानी नहीं डालना, ठंडा पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी नहीं डालना। सही है, पानी डालना है आपने, आपने पानी डालना है ताकि वो हो सकता है छाला बन जाए, आंवला बन जाए, भले बन जाए, लेकिन पानी डालने से क्या होता है कि उसका जो हीट होती है वो कम हो जाती है और वो छाला जो है छाले का निशान नहीं रहता, ये याद रखिएगा, पानी डालने से ये फ़ायदा होता है। सही है, इन केस किसी को आग लग जाए और वो सबसे पहला उसका उसका जो रिस्पॉन्स होता है उसका, जिसको आग लगती है वो आपकी तरफ भागता है कि मुझे बचाओ, आपने उससे दूर रहना है, उसको सर्कल में घुमाना है, यानी कि जब आप दूर हटते जाओगे तो वो सर्कल में घूमेगा। सही है, बचाने के लिए कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, आग लग जाती है। सही है, उसको जिसको आग लग जाती है तो कोशिश करके ये बता करना है उसको कि किसी तरह उसको पैर से ना गिराना है, दूर रहकर जब वो भाग रहा होगा आपकी तरफ आएगा तो उसको पैर से गिराना है। गिराने के बाद आपके पास कोई ना कोई ऐसा कपड़ा, मोटा कपड़ा या कंबल होना चाहिए ताकि उसको इनिशियल ट्रीटमेंट दे सकती हैं। लेकिन अगर उसको आग लग गई कब ना आपने, सही है। नंबर थ्री, हमारे पास डिज़ास्टर वो आते हैं, लास्ट टाइम 2005 के अंदर क्या हुआ था किसी को पता है नहीं, आप लोगों की उम्र छोटी होगी। सही है, पाकिस्तान में जलजल का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि इन केस ऐसा कोई वाकया हो, अपने आप को बचाने के लिए आपने मेस लकड़ी की चीज़ों के नीचे अपने आप को सेफ करना है। किसके नीचे? लकड़ी की बनी हुई चीज़ों के नीचे अपने आप को सेफ करना है। अगर ये कुर्सी है तो इसके नीचे अपने आप को सेफ करना है। लकड़ी के अंदर ताकत, देखा आपने, नोट करा है कि जब छत डलती है तो उसको रोकने के लिए, जब नई नई छत डलती है घर की, उसको रोकने के लिए क्या चीज़ लगाई जाती है? बल्लियाँ, लकड़ी का इस्तेमाल करें। लकड़ी फौरी फौरी टूटते नहीं है, लकड़ी कट जाती है टूटती नहीं है। सही है, तो जब वो कोई भी चीज़ आपको गिरेगी तो लकड़ी आपको सेफ करेगी, चाहे वो टेबल की सूरत में हो, चाहे वो चेयर्स की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। लेकिन कोशिश ये करना है कि आपने दरवाजे से दूर रहना है, दरवाजे के साथ जो ब्लॉक होते हैं ना पूरी, उधर से दूर रहना है, ये कोशिश करना है। और ये अवेयरनेस आपने लोगों को बताना भी जाकर कि ये डिज़ास्टर से बचने का तरीक़ा है, जलजले से बचने का तरीक़ा है। जलजला जब आता है ना तो ज़मीन हिलती है, जब ज़मीन हिलती है तो आपके बने हुए जो घर, जो आपकी बुनियादें होती हैं वो हिलती हैं, जब वो हिलती हैं तो ऊपर की छत जो है वो ज़मीन बोस होने लगती है, जब ज़मीन बोस होगी तो उसके अंदर
इंसान रहता है, जानवर रहता है, ऐसा ही है ना, इंसान हम लोग रखते हैं ना, जानवरों को भी रखते हैं ना, ऐसे ही ऐसी जगहों पर इंसान रहता है। तो इंसान में अल्लाह ताला ने अकल दी और शऊर दिया है, जानवर में शऊर नहीं है, इंसान में शऊर है। तो आपने लकड़ी के टेबलों का कुर्सियों का इस्तेमाल करना है, हर घर के अंदर जो है ये टेबलें होती हैं, इसका इस्तेमाल करना है आपने। अच्छा, अगर इन केस किसी को सांप काट ले, सांप काट ले, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा उसके? बेटा खड़ो के बताएं ज़ोर से। अच्छा देखें, सांप काट ले, अगर इन केस के मेरे हाथ पे सांप ने काटा, यहाँ पर काटा, वो निशान नज़र आ रहा होता है, तो आपने कोई तेज़ चीज़ से सबसे पहले उसके स्लाइस करेंगे, जलाकर उसको आग जलाकर, घर की आग जलाकर या ब्लेड की सूरत में उसको आप जलाएंगे, थोड़ा सा ठंडा कर दें उसको थोड़ा सा। उसके बाद उस पर आपने क्रॉस का निशान लगाना, यूं करके जेड बन गया जेड, यहाँ पर निशान लगाना। उसके बाद आपने यहाँ पर और यहाँ पर रस्सी बांधनी टाइट करके, ताकि जहर ना यहाँ जाए, यहाँ ना ना इस तरफ आए। फिर उसको आपने डॉक्टर के पास रवाना कर देना। ये आपका इमरजेंसी का रिस्पॉन्स है आपका दूसरों के लिए। अच्छा फ़र्ज़ करें, अब देखने में आता कि स्कूल की जैसे छुट्टी हुई, बच्चे जो है कितने फ्लोर हैं आपके स्कूल के अंदर बैठा? तीन फ्लोर हैं। तीसरे फ्लोर वाली बच्ची भागते हुए, एक तो बैग उसके हाथ में, एक दुपट्टा उसने बांधा हुआ, लटक भी रहा है दुपट्टा, पता ही नहीं उसको, सही है, और एक उसके हाथ में पानी की बोतल है, ऐसा होता है नहीं होता? और जल्दी से बस पे जाऊं और घर चले जाऊं, सही है, उससे क्या होता है, गिरने का वाकया भी होता है, कोई मुँह के बल गिरता है, कोई पैरों पे गिरता है, सही है, जो लंबा होता है ना थोड़ा हाइट, वो मुँह के बल गिर जाता है, सही है, उसके यहाँ आ गया ज़ख्म, सही है। फ़र्ज़ करें वो हाथ के बल गिर गया, हाथ के बल गिरने के अभी आपने फ़ोन कर दिया सर को, सही है सर ये वाकया हो गया, अब सर को आने में टाइम है दूसरे कैंपस से, सही है, मैडम क्लास ले रही है, क्लास में से बच्चों को निकाल रही है, मैडम कहाँ होंगी पता नहीं है, सही है। आपने क्या करना है, हमारे अगर स्काउट हो वहाँ पर या आपके पास कोई कपड़ा हो, तो आपने एक छोटी सबसे छोटी बच्ची आ जाए, आप आ जाओ, मैंने ऐसे छोटा बोला आपको, आ जाओ आप जल्दी से, आप बहुत बड़ी बच्ची हो। देखें तरीका ये होता है कि अगर वो हाथ के बल गिरी है और फौरी तौर पर सूजन आ गई उसको, देखें ये हाथ सीधा है ना, भी कुछ सूजन नज़र नहीं आ रही, और आपने देखा यहाँ पर सूजन आ गई कि ये हिस्सा मोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये टिश्यू डैमेज हुए हैं, मसल्स के अंदर प्रॉब्लम आई है, फट गए मसल्स, या उसको फ्रैक्चर हुआ है, सही है। तो अब उसको आप वो बच्ची लटका के हाथ जाएगी तो उसकी हड्डी के अंदर गैप आ सकता है, टिश्यू के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, तकलीफ होगी उसको। तो अगर ये बच्ची ये है, अल्लाह ना करे, तो इस बच्ची को आपने एक दुपट्टा तिकोनी पट्टी, मतलब दुपट्टे की तिकोनी पट्टी ऐसे बनानी है, और इस बच्ची के हाथ में यहाँ लगी है, सही है, इसको फौरी तौर पर यहाँ से पकड़ना और यहाँ से पकड़ना, ऐसे ऐसे नहीं पकड़ना, यूँ करके ऐसे पकड़ना है इसको, सही है। इस बच्ची को आपने ये तिकोनी पट्टी से इसके हाथ को सेफ करने के लिए आपने क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हैं, आपने डॉक्टर नहीं दिखानी इसको कि मुझे आता है, सही है। इधर आपने रीफ नॉट, स्काउटिंग में रीफ नॉट होती, शायद किसी बच्चे को पता हो या नहीं पता हो, नॉट लगा देनी है। अब इस बच्ची का हाथ सेफ हो गया या नहीं हो गया, अब ये डॉक्टर के पास जा सकती है, सही है, बगैर किसी तकलीफ तो होगी इसको, लेकिन वो तकलीफ नहीं होगी जो हाथ के लटकने से होती है या नहीं, सही है या नहीं, ये आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए इस बच्ची को। सब देख रहे हैं आप, सब देख रहे हैं, वो नहीं देख रही बच्ची, वो घास को देख रही बच्ची, सही है, ये रिस्पॉन्स होना चाहिए आपका, सही है। अगर बच्ची को चोट लग गई है मुंह के बल और सर पर लग गई है, सही है, एक से दो, एक मिनट बेटा, एक से दो जगह लग सकती है, सही है। तो आपने इस बच्ची को इस तिकोनी पट्टी से फिर तिकोनी पट्टी बनानी है आपने, और इस बच्ची को आपने फर्ज करें, ज़्यादातर ये चेहरा ये वाला हिस्सा मुतासर होता है गिरने में, या तो ये नाक पे लगती है, खून निकलना शुरू हो जाता है, या यहाँ पर लगती सर पे। तो आपने इस बच्ची को यहाँ पर, आपके स्कूल के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स है, फर्स्ट एड बॉक्स से आपने डिटोल लेना है, और इस बच्ची के जख्म को साफ नहीं करना, जख्म के अतराफ को साफ करना है, ताकि उसके जिस्म पे, खाल पे लगे हुए जो बैक्टीरियाज हैं
वो इस ज़ख्म को डैमेज नहीं कर सकें, सही है, इन्फेक्शन नहीं कर सकें। तो आपने, अगर मेरी चोट यहाँ लगी है तो आपने इस चोट के अतराफ में आपने डेटोल से सफाई कर रही है, क्योंकि जब बच्ची गिरी थी वो जूतों के निशानात भी थे, अब किसके पैर में क्या जरासीम थे जूतों में, वो बच्चे को लग गए, तो आपने उस जरासीम को वहीं रहने देना है, उसको साफ़ नहीं करना, बल्कि उसके जिस ज़ख़म के अतराफ को साफ़ करना है, और उसके बाद एक छोटा सा कॉटन रखकर उसको यहाँ पर पट्टी रखकर, स्काउट्स का कोई ऐसा तिकोनी पट्टी हो, और ये बांधकर जो है आपने बच्ची को रवाना कर देना स्कूल से घर या डिस्पेंसरी। स्कूल में एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी होगी मेरे ख्याल में, जो छोटी मोटी इनिशियल ट्रीटमेंट करती होंगी, सही है, उसको आपने रवाना कर देना है। ये हो गया आपका रिस्पॉन्स, सही है, हंस मजाक उड़ रहा है, सही है, ये हो गया आपका रिस्पॉन्स। तो आज आपको आपका रिस्पॉन्स के बारे में बताएगा कि आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, ओके, सही है या नहीं? अच्छा, फर्श करें अभी आपकी असेंबली हो यहाँ पर, असेंबली हो रही हो और धूप है यहाँ पर, मैडम को पता हो कई बच्चियाँ गिर भी जाती हैं कई पुराओं में आपके सामने, ऐसा होता है कि उनके अंदर इतनी वो नहीं होती पावर के वो गिर भी जाती हैं या घबराती हैं, चक्कर आने लग जाते हैं, बैठ जाती हैं, सही है। फर्श करें कोई बेहोश हो जाए यहाँ पर, तो किस रिस्पॉन्स क्या होगा आपका, कोई बताएगा? हाँ, अच्छा अच्छा बस सही है, एक तो ये हो गया। उसके बाद सबसे पहले उसके शूज़ उतारेंगे आप, शूज़ के बाद मोज़े उतारेंगे उसके आगे, सही है, अगर हाथों में ग्लव्स तो उतारेंगे। कोशिश करें कि अगर लड़की है तो वो रिस्पॉन्स भी लड़की दे, ज़्यादा बेहतर है, अल्लाह ना करे इमरजेंसी ऐसी हो कि मर्द को देना पड़े, लेकिन लड़की ही दे उसको ज़्यादा बेहतर है, सही है। उसके बाद उसको कॉल करेंगे, कान में कॉल करेंगे ऐसे कि बेटा तुमको मेरी आवाज़ आ रही है, फला नाम होगा, मेरी आवाज़ आ रही है। फ़र्ज़ करें कि वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करती है, तो फिर आप अगला कदम उठाएंगे, और उसकी जो ये जो क्या कहती है इसको क्या कहलाता है क्या बोलते हैं इसको, इसको सीधा करेंगे यूं करके, ताकि उसकी सांस बहाल हो। उसके हमारी दो नालियाँ हैं, एक ग़िज़ा की नाली और एक सांस लेने की नाली। जब हम ज़बान मुंह पर अपने यहाँ लगाते हैं तो हमारी जो है वो ग़िज़ा की नाली बंद हो जाती है और सांस की नाली काम करती है, एक वक्त में दोनों काम करती हैं, लेकिन जब हमारा मुंह बंद हो जाता है ज़्यादातर नाक की नाली काम करती है। तो आप जब इसको यूँ करेंगे तो सांस बहाल होना शुरू होगी, और उससे रिस्पॉन्स मांगेंगे अपना रिस्पॉन्स। तो ये फैक्ट है कि आप जब रिस्पॉन्स मांगेंगे उससे तो आपको रिस्पॉन्स आएगा, सही है, वरना आप उसे पानी डालेंगी, सही है, और उसके फौरी बाद उसको कोई एनर्जी ड्रिंक देंगी उसको, ताकि उसकी जो है क़ुव्वत जो हो बहाल होने की कोशिश हो, ओके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, ज़्यादा हम डिज़ास्टर पर नहीं गए अभी, कि वो चीज़ें थी जो आप कर सकती हैं, काम कर सकती हैं ना अभी, ये अपने घर का स्विच, स्कूल का स्विच बंद कर सकती हैं एमरजेंसी में, अपने घर का और स्कूल का जो है वॉल गैस का बंद कर सकती हैं एमरजेंसी सूरत में, सही है। कभी भी आग लगे, अगर आग लगे कभी भी, तो आपने उधर की खिड़कियां नहीं खोलनी, याद रखना, खिड़कियों से आएगी हवा, और हवा जो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है उस, और हवा से आग जो है मजीद भड़केगी, सही है, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।